नमस्कार दोस्तों, तो पिछले दिन रात को मैंने एक वीडियो बनाया था Redmi Note 10 के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि Redmi Note 10 में एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन होगा और क्या प्राइस होगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने इस Redmi Note 10 का अनबॉक्सिंग कर भी दिया है और मार्केट में बहुत सारे Redmi Note 10 बिक भी रहा है। और उसके बाद मैंने रात को एक और वीडियो बनाया था कि Redmi Note 10 Pro में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा। जैसे कि अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं, Xiaomi वालों ने खुद ऐसा मिस्ट्री बॉक्स जैसा चीजें लॉन्च किया है, जिसके बाहर के पजल को अगर आप डिकोड करेंगे तो इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आज Redmi Note 10 Pro का ऑफिशियल अनबॉक्सिंग, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन खुद Xiaomi वालों ने हमें दे दिया है, तो इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त कवर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करेंगे इसका डिजाइन कैसे होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं Xiaomi ने जो ऑफिशियल पोस्टर दिया उसका पोस्टर के अनुसार इसका डिजाइन बिल्कुल ऐसा होने वाला है। अब कुछ लोगों का कहना है कि Redmi Note 10 Pro में शायद आपको पीछे ग्लास बैक कवर देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ग्लास बैक कवर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके थिकनेस के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट कॉन्फर्म न्यूज है कि इसका थिकनेस 9 मिलीमीटर के नीचे होगा और वेट भी 200 ग्राम के नीचे होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं Xiaomi वालों ने ऑफिशियल कह दिया कि इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच Samsung E2 क्वालिटी का AMOLED डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट होगा 120Hz, मतलब इस बार हमें 120Hz वाला स्मार्टफोन मिड रेंज में भी देखने को मिलेगा। और अगर मैं Redmi Note 10 के बारे में बात करूं, उसमें भी आपको AMOLED मिलता है लेकिन उसका रिफ्रेश रेट है 60Hz। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें, ये भी Xiaomi वालों ने खुद कह दिया कि इसमें आपको Snapdragon 732G मिलेगा। ये दरअसल वही प्रोसेसर है जो कि हमें Poco X3 में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पावरफुल और कैपेबल प्रोसेसर है। अगर कैमरे के बारे में बात करें, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, मतलब जो मेन सेंसर वो तो होगा 108 मेगापिक्सल और एक बहुत ही पावरफुल मैक्रो सेंसर होगा, लेकिन बाकी के दो सेंसर क्या होगा अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। और इसके फ्रंट में होगा 20 मेगापिक्सल कैमरा। ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट पे इंडिया पे लॉन्च होगा, 664, 6128 और 8120GB। रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी होगा आइदर UFS 2.1 या फिर 2.2, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज वेरिएंट। अगर बैटरी के बारे में बात करें, इसमें आपको मिलेगा 5020mAh बैटरी, उसके साथ 33W का इनबॉक्स फास्ट चार्ज। इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक और इनबॉक्स फास्ट चार्ज। और इसका जो फिंगरप्रिंट, हो सकता है कि इसका डिस्प्ले एमोलेड है लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर फिर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज, इसका प्राइस क्या होने वाला है। ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज है कि इसका जो बेस वेरिएंट जो कि 664GB वो इंडिया पे शुरू होगा 17,000 रुपए से, क्योंकि एक चीज देखिए 16,000 या फिर उससे भी 500 रुपए का, मतलब 15,500 रुपए के आसपास आपको इंडिया में पोको X3 देखने को मिलता है, जिसका बेस वेरिएंट है 664GB, जिसका स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली Redmi Note 10 Pro के जैसा ही है। बस Redmi Note 10 Pro में आपको AMOLED मिल रहा है और उसमें आपको 6000mAh बैटरी मिलता है, वरना दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। तो इसीलिए कहा जाए कि Redmi Note 10 Pro इंडिया में लॉन्च होगा एक्जैक्टली 6999 रुपीज पे, और इसका जो मैक्सिमम 8120GB वेरिएंट वो शायद इंडिया में बिकेगा 20,000 के आसपास। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से 17,000 रुपए में ये जो Redmi Note 10 Pro लॉन्च होने वाला है एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, मतलब मुझे तो इसमें कोई कमी नहीं लगा, क्योंकि परफेक्ट डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, साउंड और बाकी सब कुछ आपको देखने को मिलता है। मतलब 17,000 रुपए में इसे कॉम्पीट करने वाला और कोई स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर Realme 8 इससे बेटर को स्पेसिफिकेशन लेके आ पाता है तो ही कॉम्पीट कर पाएगा, वरना मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि Realme के अलावा कोई भी कंपनी Redmi Note 10 Pro के स्पेसिफिकेशन को इस प्राइस रेंज में डिफीट कर सकता है। तो आज का वीडियो तक उम्मीद है Redmi Note 10 Pro के ऊपर मैंने आपको जो स्पेसिफिकेशन बताया वो आपको पसंद आया होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि Redmi Note 10 सीरीज के कौन से स्मार्टफोन के लिए आप वेट कर रहे हैं, Redmi Note 10, 10 Pro या फिर 10 Pro Max, इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।